आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ये वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको आप प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद ये नोटिफिकेशन बटन के लिए ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये राखी बनाना बताऊंगी। ये भाभी भैया भाभी की स्पेशल राखी है। अगर आपको इसमें ये लुम्बा नहीं बनाना है तो आप सिंपल ये राखी भी बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारी राखी बनी है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये घर पे राखी बनाई है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी ये राखियां बनाना ही बताई है, तो ये देखिए मास्क वाली राखी बनाना बताई थी। इसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी मैं आपको, स्क्रीन के ऊपर भी अभी आपको आई बॉक्स में दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से ये बच्चों की राखी भी बनाना बताई थी। ये रियूजेबल राखी है, ये वाली राखी भी रियूजेबल है जो कि मैंने वीडियो में बताई है। तो फ्रेंड्स, इसका रियूज जो है इस तरह से कर सकते हैं, एक और तरीके से क्लिप में भी लगा सकते हैं, वो मैंने वीडियोस में बताई है। तो ये भी देखिए कितनी प्यारी राखी बनी है। इसका इस वीडियो का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी और आई बॉक्स में ऊपर आपके स्क्रीन बॉक्स में भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कोरोना स्पेशल और ये जो है टेडी बियर वाली राखी बनाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कलेक्शन है मेरी राखी का अब तक का। ये मैंने सब राखी आपको बनानी बता दी है, तो आज मैं आपको ये वाली राखी बनाना बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कुछ मैंने डेकोरेशन के लिए मटेरियल भी लिया है, मोती वगैरह, फोम फ्लावर। अगर आपके पास ये नहीं है, जैसे टेसल लिया है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ये वाला यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये बनानी है। अब इसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिएगा फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मुझे कॉटन थ्रेड्स चाहिए होते हैं राखी बनाने के लिए। ये हर कलर में अवेलेबल है, बहुत सारे कलर्स इसमें आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। और यहाँ पे क्रोशिया जो है, मैं 2.25 mm का क्रोशिया जो है यूज कर रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम ये मोर पंख जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ब्लू कलर का धागा चाहिएगा। इसका मैं लूप बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से बस धागे को टेढ़ा करके लूप बन गया ये। अब क्रोशियो को निकालूंगी और धागे को लूंगी। धागे को थोड़ा सा लूप जो ये बना हुआ है ये फ्रेंड्स, इसको छोटा कर लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे तीन चेन लेनी है, एक दो तीन। तो फ्रेंड्स, ये तीन चेन हमारे डबल क्रोशिया की हाइट की होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीन चेन ली है और इसको मैं एक डबल क्रोशिया काउंट करूंगी। अब फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे डबल क्रोशियाज बनाने आगे, वो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने क्रोशिया में दो फंदे डाल लिए हैं, एक तो हमारा थाई, एक और फंदा डाल लिया है। अब मैं यहाँ पे लूप से लूंगी, धागे को निकाला, तीन फंदे हो गए हैं। अब तीन का दो फंदा करूंगी। ये देखिए, दो फंदे हो गए हैं, अब दो का एक। तो इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए हैं, क्योंकि एक जो है तीन चेन से बनाया था और उसके बाद एक डबल क्रोशिया डाला है, तो टोटल दो डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से मुझे 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक और डबल क्रोशिया मैं आपको बना के दिखा रही हूं। तो ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए हैं, मैं टोटल इस तरह से 11 डबल क्रोशिया कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब मुझे लाइट ब्लू कलर लेना है, तो लाइट ब्लू कलर का मैंने धागा लिया। अब मैं इस तरह से ये जो मैं दिखा रही हूं उस तरह से आपको इसके साथ अटैच करना है। सीधा धागे को निकाला, अब मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया डालूंगी इसके भी। एक डबल क्रोशिया हो गया, इस तरह से मुझे पांच डबल क्रोशिया डालने हैं इसके भी। ये दो डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहां पे मैंने पांच डबल क्रोशिया इसके ले लिए हैं, तो टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 11 जो थे डार्क ब्लू कलर के हैं और पांच जो है हमारे लाइट ब्लू कलर के, तो टोटल 16 हो गए हैं। अब हमें इसको फर्स्ट जो डबल क्रोशिया था डार्क ब्लू कलर वाला, उसके साथ ज्वाइन करना है। फर्स्ट डबल क्रोशिया फ्रेंड्स हमारा तीन चेन से बना था, तो हमें उसके थर्ड चेन से ज्वाइन करना है। और ज्वाइन कैसे करना है हमें स्लिप स्टिच से। तो सबसे पहले मैं क्रोशिया हुक डालूंगी थर्ड चेन में, धागे को निकाला और सीधा मैं इस धागे के दो का एक कर दिया सीधा। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो गया।
अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे लाइट ब्लू कलर भी छोड़ना है और मुझे ऑरेंज कलर लेना है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज भूल गई हूँ, ये बीच का जो लूप था उसको मुझे टाइट करना है, जो डार्क ब्लू कलर की ऊन थी सॉरी धागा था उसको मैं खींच दूंगी तो ये टाइट हो जाएगा। तो देखिए बीच में अब बिल्कुल भी गैप नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गया है। अब हम जो है आगे ये ऑरेंज कलर की ऊन लेंगे सॉरी ऊन नहीं धागा। अब इसको भी मैं पहले की तरह ज्वाइन कर लूंगी, सीधा धागे को निकाला। अब मुझे यहां पे हर चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। सिंगल क्रोशिया कैसे डालते हैं वो मैं अब आपको बताती हूं। ये देखिए चेन में धागा निकाला, ये लिया धागे को, तो ये दो हो गए। अब धागे से दो का एक कर दिया, तो इस तरह से मुझे हर चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। मैं डालूंगी अगला, एक बार आपको और दिखाती हूं। तो ये देखिए ये भी डाल दिया, अगली चेन में और करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां पे सब में एक एक सिंगल क्रोशिया डाल लिया है। अब मुझे यहां पे मैंने लाइट जो ब्लू कलर था उसमें मैंने सिर्फ दो चेन में डाला है। अभी आगे हमें एक पर्ल बनाना है। ये देखिए जैसे इसमें मैंने ये पर्ल बनाया हुआ है, ये पर्ल बनाना है। ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूं। तो देखिए लाइट ब्लू के थर्ड चेन में हमें सिंगल क्रोशिया डालूंगी और फिर मुझे तीन चेन लेनी है, एक दो तीन। अब जो ये सिंगल क्रोशिया थे फ्रेंड्स उसके दो धागे बन जाते हैं ये, उसमें से ये देखिए दोनों मेरे दो धागे हैं क्रोशियो में, मतलब टोटल तीन हो जाएंगे पर सिंगल क्रोशिया के दो थे। अब उसमें से धागे को निकालूंगी और अब फंदे जो है क्रोशिये में दो हो गए, इसको मैं इस तरह से कर दूंगी। तो ये पर्ल बन गया, इसको हमें नेक्स्ट चेन में अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिये से। तो इस तरह से ये पर्ल बन जाएगा। अब मैं आगे भी सिंगल क्रोशिया डाल लूंगी। और अब इसको मैं फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से जो है उसकी चेन से उससे ज्वाइन कर दूंगी। स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मैं धागे को कट कर लूंगी नॉट बना के। इस तरह से कट किया और ये एक नॉट बना लूंगी, इससे हमारा पक्का हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला पूरा काम हो गया। अब हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे और उससे काम। अब ये जो ग्रीन धागा है फ्रेंड्स ये हमें कहां पे शुरू करना है, जहां पे हमने ऑरेंज कलर की नॉट बनाई थी वहीं से मुझे जो है ग्रीन धागा उधर से लेना है। उसका जो नेक्स्ट चेन है उधर से ही क्या है, फर्स्ट ब्लू था, डार्क ब्लू जो है फर्स्ट ब्लू वहीं से शुरू होता है, तो वहीं से मुझे लेना है। और मैंने डार्क ब्लू से लूंगी फर्स्ट वाले से, मतलब ऑरेंज से लेना है पर उसके नीचे डार्क ब्लू कलर का है। अब इसके बाद देखिए मैंने ले लिया है। अब मुझे यहां पे सिंगल क्रोशिया लेने हैं दो। पहले मैं ये चेन लूंगी ताकि ये धागा जो है पक्का हो जाए। अब मुझे एक सिंगल क्रोशिया लेना है क्योंकि एक जो चेन ली है उसको हम सिंगल क्रोशिया ही मानेंगे। तो ये मेरे यहां पे दो सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक जो चेन ली थी वो मैं सिंगल क्रोशिया ही काउंट करूंगी, उसके बाद मैंने यहां पे एक सिंगल क्रोशिया डाल लिया है। अब फ्रेंड्स अगली चेन में हमें दो सिंगल क्रोशिया डालने हैं। सिंगल क्रोशिया मैं आपको फिर से बता देती हूं। ये देखिए सबसे पहले मैं सिंगल क्रोशिया का मतलब होता है दो का एक, जिसको आम भाषा में हम दो का एक बोलते हैं। चेन से यहां पे धागा डाला, ये देखिए दो फंदे हो गए, उसको हमें एक बनाना होता है। तो इस तरह से एक फंदा बन जाता है। इस तरह से मुझे दो डालने हैं एक ही चेन में, तो टोटल दो चेन में मैंने यहां पे चार सिंगल क्रोशिया डाल दिए। अब फ्रेंड्स मुझे हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया को आम भाषा में बोलते हैं तीन का एक करना। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पे क्रोशिया हुक में दो फंदे डाल लिए। अब मैं यहां पे चेन से धागा निकालूंगी, तो देखिए तीन फंदे हो गए। अब तीन का एक करना है मुझे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से इसी चेन में मैं एक और डालूंगी। हर चेन में मुझे दो दो चीजें करनी है जो भी मैं करूंगी सेम। तो ये देखिए तीन का एक मैंने फिर से डाल दिया है। अब फोर्थ चेन में फ्रेंड्स मुझे डबल क्रोशिया डालना है। डबल क्रोशिया मैंने आपको पहले भी बताया था, दो फंदे लिए, नेक्स्ट चेन में डालूंगी, तीन का दो करूंगी,
और 2 का 1, तो एक और इसी चेन में एक और डालूंगी ये, तो इस तरह से चार चेनें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब पांचवी चेन में मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, हाफ ट्रिपल क्रोशिया डालना है। हाफ ट्रिपल क्रोशिया किसे कहते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए तीन फंदे हम कर लेंगे, तो देखिए तीन फंदे हो गए क्रोशे हुक में। अब अगली चेन में हम धागे को निकालेंगे, तो देखिए टोटल चार फंदे हो गए हैं। अब चार के पहले हम तीन करेंगे इस तरह से, अब तीन का एक कर देंगे सीधा, तो ये हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से मैं एक और डाल लूंगी तीन फंदे करके, हाफ ट्रिपल क्रोशिया डाल लूंगी इसी चेन में डालूंगी, ताकि दो हाफ ट्रिपल क्रोशिया एक ही चेन में हो जाएं। ये हमारी पांच चेन कवर हो गई है। अब छठी चेन में मुझे ट्रिपल क्रोशिया डालने हैं, कैसे डालूंगी वो आपको दिखाती हूँ। तीन फंदे लिए, तीन फंदे सॉरी चार फंदे हो गए हैं, तीन फंदे लूंगी। अब इसके बाद मैं चेन में डालूंगी, ये मेरे पास चार फंदे हो गए, चार के तीन करूंगी, तीन का दो और दो का एक, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इस तरह से मैं इसमें तीन बार डालूंगी, यहां पे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, तीन बार डालूंगी ना कि दो बार, एक दो तीन। अब एक बार और डालूंगी यही ट्रिपल क्रोशिया, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पैटर्न जो देखिए थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता गया। पहले मैंने सिंगल क्रोशिया डाला, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, तो थोड़ा सा बढ़ता गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। अब मैं हाफ ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी, हाफ ट्रिपल क्रोशिया मैंने आपको बताया है, तीन फंदे लूंगी और अगली चेन में डालूंगी तीन। अब ये चार फंदे हो गए, चार का तीन करूंगी और तीन का एक, सीधा तीन का एक कर देते हैं, तो ये हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ये एक और डाल लूंगी मैं, ये मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है, सेम उसी तरीके से अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे हैं। अब तीन का एक, तो ये हमारा हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गया। मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, दो फंदे किए चेन में, अगली चेन में डालूंगी तीन का दो, दो का एक, एक और डाल लूंगी तीन का दो, दो का एक। अब अगले में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, ये तीन का एक, अब फिर से एक और डालूंगी हाफ डबल क्रोशिया। अब फ्रेंड्स मैं अगली चेन में दो सिंगल क्रोशिया डालूंगी, दो का एक, एक और चेन में मैं डालूंगी सिंगल क्रोशिया, और यहां पे अब मैं नॉट बना लूंगी धागे को कट करके और नॉट बना लूंगी। फ्रेंड्स ये पैटर्न जो है देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है, इस तरह से पैटर्न जो है पूरा अच्छे से बन गया है। अब इसके लिए हमें चेन बनानी है डोरी के लिए, तो डोरी कैसे बनाएंगे, चेन से बनाएंगे। मैंने यहां पे ऑरेंज कलर का धागा लिया है, थोड़ा सा धागा मैं छोड़ूंगी ज्यादा, और फिर मैं यहां पे चेन बनाऊंगी। इस तरह से मैंने धागा लिया क्रोशे हुक में, और अब मैं 40 चेन के करीब बना लूंगी यहां पे, 35 से 40 चेनें, एक दो तीन चार पांच, तो मैंने यहां पे ये जो है 40 चेन बना ली है। अब मैं यहां पे धागे को कट कर लूंगी, थोड़ा ज्यादा ही धागे को कट किया है। अब मैं यहां पे इसकी नॉट बना लूंगी ताकि ये पक्का हो जाए, तो इस तरह से मैंने ये डोरी बना ली है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे ये डोरी अटैच करनी है। डोरी अटैच करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीचों बीच आप यहां से फोर्थ चेन, यहां से फोर्थ चेन ले सकते हैं, मैं अंदाजे से ही ले रही हूं, फोर्थ चेन या थर्ड चेन आप ले सकते हैं, और उसमें हम क्रोशिया हुक को इस तरह से डालेंगे, और ये जो डोरी का धागा है इस तरह से ले आएंगे। तो ये इस तरह से धागा आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से एक साइड आ गई है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी डाल लूंगी। तो ये देखिए मैंने यहां पे डोरी डाल ली थी, इसके बाद मैंने यहां पे ये दो मोती और फिर एक ग्रीन कलर का मोती, दो व्हाइट मोती और एक ग्रीन कलर का मोती, इस तरह से दोनों तरफ लगा लिया, तो बहुत अच्छी लुक आ गई है ये।
अब यहाँ पे मुझे ये जो पार्ट है बीच वाला पार्ट, ये मुझे एक और बनाना है ताकि मैं इसका लुम्बा भी इसके साथ का बना सकूं। तो यहाँ पे लुम्बे के लिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे तीन धागे लेने हैं। ये देखिए मैंने एक, दो और तीन, ये तीन धागे कट कर लिए ऑलरेडी। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उसमें मुझे जो है बीच वाली तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, तो उसकी बीच वाली एक ट्रिपल क्रोशिया में मुझे जो मिडल वाला ट्रिपल क्रोशिया है उसमें से यहाँ पे मुझे चेन में से धागे निकालने हैं। तो तीनों धागे उसी में से निकालने हैं, तो इस तरह से मैं क्रोशिया हुक को डालूंगी। और इस तरह से मैं जो है थोड़ा सा ये निकाल लूंगी पीछे से, पहले मैं इक्वल करूंगी इसे, ये इक्वल किया ताकि नीचे से इक्वल हो जाए। और फिर फ्रेंड्स जैसे हम बचपन में बॉटल अपन बस में जब स्कूल जाते थे तो बॉटल जब जैसे टांगते थे उसी तरह से करेंगे, गांठ लगाएंगे यहां पे। इस तरह से मैं निकाला और यहां से ये इस तरह से नोट लगा दी, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इस तरह से मैं तीनों धागे इसी में से निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे तीनों धागे जो है डाल लिए हैं इस तरह से। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे दो धागों में, तो ये जो दो धागे हैं इसमें तो मैं मोती डालूंगी, कम से कम 8-9 मोती डालूंगी इसमें भी और इसमें भी, वो मैं डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने व्हाइट कलर के मोती लिए हैं, ये मैं डालूंगी अभी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें 8 मोती जो है पिरोए थे, उसके बाद फूल पिरो लिया, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे भी मैंने 8 मोती पिरो लिए हैं, इसमें मैंने सुई डाल रखी है, तो इसी में मुझे ये फोम फ्लावर जो है लगाना है, तो ये मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। और ये जो थर्ड वाला था इसमें मैंने 4 यहाँ पे मोती पिरो लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको ये फोम फ्लावर लगा के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ये देखिए केशमेट की सुई बोलते हैं इसको, ये इसमें बहुत बड़ा जो है छेद होता है, तो इसमें मैंने ये इस तरह से पिरो के रखी है। और फ्रेंड्स ये लास्ट में धागा थोड़ा सा हमें चाहिएगा बस, तो मैंने ले लिया। अभी फोम फ्लावर से मैं पीछे की तरफ से सुई लूंगी और बीचों बीच जो है इस तरह से निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से धागा जो है आ गया बाहर। और अब मैं यहां पे 2-3 नोट लगा लूंगी। ये इस तरह से नोट लगा लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोनों में ये लगा लिए। अगर आप तीसरे में यही चीज करना चाहे तो सेम कर सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे मैचिंग की टेसल थी तो मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पे। इस तरह से मैं एक में डाल लूंगी, ये डबल धागा था, और इस तरह से गांठ लगा दूंगी, टाइट सी गांठ लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो पर्ल बनाया था इसमें भी मैंने इसी तरह से जैसे इस तरह यहाँ पे धागा लगाया था वैसे यहाँ पे भी धागा लगा लिया है। इसके बाद मुझे यहाँ पे ये मैंने मोती लगा लिए हैं, ये दो मोती, एक कैप और दो मोती लगाए हैं। ये मेरे पास था इसलिए मैंने ये लगा लिया, अदरवाइज अगर आपके पास कैप नहीं है तो आप डायरेक्ट मोती भी लगा सकते हैं। और इस तरह से अब मुझे यहाँ पे लुम्बा बनाना है, तो इस तरह से यहाँ पे मैं गांठ लगानी है, ये थोड़ा इस तरह से करके जो फर्स्ट मोती है पहले तो मैं इस फर्स्ट मोती को जो है स्टेबल कर लूंगी इस तरह से गांठ लगा के। इस तरह से जब मैं 2-3 नोट लगा लूंगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये देखिए स्टेबल हो गया, ये आगे निकलेगा नहीं। अब फ्रेंड्स मुझे यहां पे सही से गांठ लगाने का तरीका है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट मोती के अराउंड इसको घुमाइए और इस पे नॉट लगा दे, क्योंकि मुझे एंड में लेना है ये। तो यहां पे इस तरह से मैं घुमाऊंगी, थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा लूंगी, ये देखिए एक्स्ट्रा धागा लिया, इस तरह से घुमाया
और यहां पे ये उंगली इस तरह से रखूंगी मैं। एक्स्ट्रा धागा लिया, ये देखिए यहां से मैंने धागे को इस तरह से किया और इधर से निकाल लूंगी और ये नॉट लगा लूंगी। एक बार फिर से मैं ये नॉट लगा रही हूं फ्रेंड्स। अब इसको यहां से धागे को पकड़ेंगे, ये नॉट जो है फर्स्ट मोती पे लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहां पे ये चीज बन जाएगी। फर्स्ट मोती पे जब हम नॉट लगाते हैं तो काफी अच्छे से स्टेबल हो जाता है, अच्छे से नॉट लग जाती है और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा, ये मैं एक्स्ट्रा धागे को कट भी कर लूंगी अभी। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो लुम्बा है बनके तैयार हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और मोती लगा ली है। अब इस तरह से मैंने पैकिंग की है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर राखी बनी है, हाथ से बनाई हुई, लगी नहीं रही है कि हाथ से बनाई है। तो आप भी इस तरह से राखी बनाइए और अपने भैया भाभी को भेज सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पे हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये राखी कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।